इंडियन नैरेटिव है कि रिलेशनशिप शुड बी बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट वो तो मेरा पर्सनल व्यू है। कोई भी कस्टमर हो, अगर उनके पास लेजिटिमेट आईडी कार्ड है, ये लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि हम उन्हें चेक इन दें और उनको बेहतर से बेहतर सर्विस एनेबल करें और उसी पे हम लोग काम करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली बड़ी चैलेंजेस रही हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले हमारे एक कॉलीग थे, वो और उनकी वाइफ एक होटल में गए। वाइफ ने जो है सेकंड नेम बदला नहीं, उनका सेकंड नेम सेम था पहले जैसा ही। तो होटल वाले ने कहा कि आप दोनों शादीशुदा हैं, इसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए, फिर हम आपको चेक इन देंगे। ओयो के पहले कई लोगों ने ऐसी एक्सपीरियंसेस रही हैं कि लोग जज करते हैं, लोग घूरते हैं लोगों को। हमारा ये ओपिनियन है कि आप चाहे कोई भी हो, अगर आप एक लेजिटिमेट पर्पस से रहने आए हैं तो हम आपको चेक इन देंगे। कि आज के दिन में ओयो में अगर आप देखें, जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो बहुत ब्रॉड है। आप सेम होटल में देखेंगे, यंगस्टर्स होंगे जो लोग मतलब 20, 25, 30 साल की उम्र में हैं, उसी होटल में रह रहे होंगे 50 साल 60 साल की उम्र की फैमिलीज, उसी के बगल में रह रहे होंगे कॉर्पोरेट क्लाइंट। तो ओयो आपके लिए टॉप ऑफ द माइंड चॉइस होना चाहिए, यही हमारा ब्रांड कैच है।